गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन का हम लेक्चर नंबर 4 कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम सेमी सॉलिड मिक्सिंग को डिस्क्राइब करेंगे। इससे जो लास्ट वाला लेक्चर था उसके अंदर मैंने जो डिस्कस किया था वो हमने उसमें डिस्कस की थी कि लिक्विड मिक्सिंग, सेमी सॉलिड मिक्सिंग एंड पाउडर मिक्सिंग, कि उनके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम उसमें यूज़ करते हैं। तो आज सबसे पहले जो लिक्विड मिक्सिंग है, लिक्विड मिक्सिंग के लिए जो दो मिक्सर्स थे, टर्बाइन मिक्सर्स थे या जो उससे पहले प्रोपेलर मिक्सर थे, उसकी विद डिफरेंट पोजीशंस और टर्बाइन मिक्सर और प्रोपेलर मिक्सर के अंदर जो डिफरेंस था या उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि कैसे वो एक्ट करते हैं, कैसे उन मशीनरीज को हम यूज़ करते हैं या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, वो सब मैं आपको लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम उसको पढ़ चुके हैं। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं सेमी सॉलिड मिक्सिंग। अब अगर हम सेमी सॉलिड मिक्सिंग की बात करें तो सेमी सॉलिड मिक्सिंग में मेनली जो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स में क्या आता है, उसमें मेनली आपके ऑइंटमेंट्स, पेस्ट, जेलीज, जितने भी सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स हैं वही सब आएंगे। तो उनकी जो सेमी सॉलिड मिक्सिंग की मटेरियल्स की, मतलब जो मिक्सिंग होती है वो थोड़ी लिक्विड मिक्सिंग से डिफरेंट होती है। डिफरेंट कैसे होती है कि कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं सेमी सॉलिड मिक्सिंग में। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम तो है वो है कंसिस्टेंसी की। अब देखो जो कंसिस्टेंसी है, अगर हम कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें लिक्विड मिक्सिंग के साथ, तो आप ये देखो कि जो कंसिस्टेंसी है सेमी सॉलिड मिक्सिंग की ज्यादा होगी, थिकनेस जो है सेमी सॉलिड जो मटेरियल्स हैं उनकी ज्यादा होगी। तो कंपैरेटिवली जो सेमी सॉलिड मिक्सिंग है, लिक्विड मिक्सिंग में तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास सपोज दो मिसिबल लिक्विड्स को आपने मिक्स करना है या आपने एक लिक्विड मटेरियल को आपने एक किसी ऐसे सॉलिड के साथ मिक्स करना है जो इसमें इजिली डिजोल्व हो जाएगा, तो उस केस में तो क्या होगा कि आपको उसको सिंपल एजिटेशन से, सिंपल स्टरर से, मैग्नेट, इवन सिंपल एक स्पून से या ग्लास रोड से भी आप शेक करके डिसॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इमिसिबल लिक्विड्स या फिर जो लो विस्कोसिटी लिक्विड्स हैं या कोई ऐसा इनडिफ्यूजिबल सॉलिड है उसको आपने मिक्स करना है, सपोज सस्पेंशन या इमल्शन बनानी है, तो उस केस में हम प्रोपेलर मिक्सर या फिर टर्बाइन मिक्सर यूज करते हैं। लेकिन इस केस में अब क्या है, जो सेमी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, देखो उसकी जो कंसिस्टेंसी है हमें भी पता है कि इसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है, विस्कोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द लिक्विड मिक्सिंग। लेकिन तो इसलिए सेमी सॉलिड को सबसे पहले तो हम जो सिंपल डिफ्यूजिव मिक्सिंग, डिफ्यूजिव मिक्सिंग क्या होती है कि सिंपल अगर हम कोई ब्लेड या पैडल यूज करके जब मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, डिफ्यूजिव मिक्सिंग से या फिर हम इसको कोई कन्वेक्टिंग मिक्सिंग से हम इसको नहीं मिक्स कर सकते, मतलब सिंपल मिक्सिंग से हम इसको मिक्स नहीं कर सकते। इनको हमें कोई स्पेशली, अगर लैब स्केल के ऊपर बात करें तो लैब स्केल पे तो हम छोटे ब्रेटस यूज करके जैसे वेसल मोटर या स्पैचुला से मिक्स करके हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल पे बात करें तो इनके लिए स्पेशल टाइप के मिक्सर्स जो हैं वो यूज होते हैं। जैसे एक मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है प्लेनेटरी मिक्सर का, और दूसरा हमने एक मशीन पहले भी पढ़ी थी ट्रिपल रोलर मिल, आपको ध्यान हो हमने वो साइज रिडक्शन के अंदर पढ़ी थी, तो उसको हम मेनली सेमी सॉलिड मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज ये ध्यान में रहे कि जो सेमी सॉलिड मटेरियल्स हैं दे आर द डिफरेंस इन द कंसिस्टेंसी एज कंपेयर टू द लिक्विड्स, दे आर डिफरेंस इन द हैविंग द हाई विस्कोसिटी एज कंपेयर टू द लिक्विड्स, सो दे कैन नॉट बी इजीली मिक्स्ड as the liquid mixing can be done, so we cannot mix them with the help of the diffusive mixing. Diffusive mixing क्या है कि simple हम कोई भी blade से, कोई भी paddle से, कोई भी stirrer से simple manner से जब हम mixing करते हैं तो उसको हम बोलते हैं diffusive mixing या फिर convecting mixing से हम इसको mix नहीं कर सकते, इसके लिए हमें special type की machinery की ज़रूरत पड़ती है। Second जो point इसके अंदर हमें mind में रखना है कि जो सेमी सॉलिड मिक्सिंग है इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रल मिक्सिंग। अब मैंने आपको सबसे पहले लास्ट टॉपिक में, फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सिंग दैट इज द न्यूट्रल मिक्सिंग,
पॉजिटिव मिक्सिंग और नेगेटिव मिक्सिंग। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्ट लेक्चर आप देखो, उसमें आपको न्यूट्रल पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्सिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। न्यूट्रल मिक्सिंग का क्या मतलब है कि जब एक बार आपके प्रोडक्ट्स या आपके इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर मिक्स हो जाएंगे तो मिक्स होने के बाद उनके जो फेज सेपरेशन के चांसेस है वो बहुत कम होंगे, तो ये न्यूट्रल मिक्सिंग होगी। और आप इसको ये भी कह सकते हो इट इज अ इररिवर्सिबल टाइप ऑफ द मिक्सिंग। न्यूट्रल और इरिवर्सिबल टाइप ऑफ द मिक्सिंग। इरिवर्सिबल मतलब कि जिसमें दोबारा से मिक्सिंग होने के बाद एक बार आपकी ऑइंटमेंट बनके तैयार हो गई, एक बार आपकी क्रीम बनके तैयार हो गई या आपकी पेस्ट जेली जेल बनके तैयार हो गई तो उसमें आपके जो फेजेस हैं वो सेपरेट नहीं होते। जनरली आप देखो घर में हम रूटीन में बहुत से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, क्रीम्स भी यूज करते हैं, बहुत सी मेडिसिन में हम जैसे ऑइंटमेंट्स भी यूज करते हैं, तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हम देखें कि उसके फेस सेपरेट हो गए आपस एक दूसरे से। तो ये क्या है, न्यूट्रल मिक्सिंग है और इररिवर्सिबल मिक्सिंग है। एक बार मिक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मिक्स करने के बाद इसको सेपरेट होना मतलब ये इररिवर्सिबल टाइप की और न्यूट्रल मिक्सिंग है। अब हम इसमें चलते हैं कि इसमें हम मशीनरीज या इक्विपमेंट्स कौन से यूज करते हैं। सबसे पहला जो इक्विपमेंट है मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज अ टाइप ऑफ द प्लेनेटरी मिक्सिंग। अब प्लेनेटरी मिक्सर, सॉरी नॉट मिक्सिंग, प्लेनेटरी मिक्सर। अब प्लेनेटरी मिक्सर क्या है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द प्लेनेटरी मिक्सर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द नीडिंग एंड शियरिंग। It works on the principle of kneading and shearing. Kneading and shearing action. सबसे पहले तो ये kneading और shearing action के ऊपर काम करता है। Kneading और shearing action क्या है? Kneading मतलब जैसे आटा गूंदना, shearing action मतलब force लगाना। तो नीडिंग और शेयरिंग एक्शन के ऊपर ये काम करता है। अब सबसे पहले जो इक्विपमेंट की वर्किंग समझने के लिए जरूरी है कि उसकी कंस्ट्रक्शन भी समझी जाए, तो इसमें जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है ये तो आपका कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर आपने अपना मटेरियल डाला हुआ है जिसको आपने मिक्स करना है। ये आपने यहाँ सारा अपना मटेरियल डाला हुआ है जिस मटेरियल को आपने मिक्स करना है, आपके जो इनग्रीडियंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपका ये क्या है, इट इज अ पैडल। जो ये मैंने यहाँ इसमें एक पेंटागोनल शेप में बनाया है, दैट इज द पैडल। पैडल के साथ ही जो एक ही मैंने ये बनाया हुआ है, ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दिस वन आर्म जो है इसकी, इट इज द एजिटेटर। एजिटेटर, और इसको हम ये भी बोल देते हैं कि जो इसकी साइड आर्म है, साइड आर्म है। अब इसका नाम जो प्लेनेटरी, और ये है मोटर, इट इज इलेक्ट्रिकली बेस्ड एपरेटस, तो ये इसकी मोटर है जो इन दोनों को रोटेट करेगी या ऑपरेट करेगी। अब प्लेनेटरी मिक्सर है, इसका नाम देखो प्लेनेटरी क्यों दिया हुआ है, प्लेनेटरी मिक्सर का नाम। प्लेनेटरी का क्या पर्पस है, जैसे प्लैनेट में क्या होता है, प्लैनेट में यही होगा कि यहाँ आपका एक सन है, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स है वो घूमते रहते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, जो ये प्लैनेट है ये आपका सन है, ठीक है। सन के चारों तरफ क्या होगा कि ये आपके जो डिफरेंट ये ऑर्बिट्स बने हुए हैं, ये ऑर्बिट्स के अंदर जो प्लैनेट्स हैं ये प्लैनेट्स आपके घूमते रहते हैं। ये प्लैनेट्स आपके इस तरह से भी घूमते हैं और साथ में अपने एक्सिस के चारों तरफ भी घूमते हैं, इसी तरह से घूमते हैं। आपने साइंस में छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो सेम जो मेथड है या सेम जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर ही जो आपका प्लेनेटरी मिक्सर जो है काम करता है। इसमें क्या है, ये आपका इसमें सेंटर में ये सन है, जो पैडल है वो आपका इसमें सन की तरह काम करता है। पैडल इसमें जो रोटेट करेगा वो अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करता है, इट विल रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करेगा। और जो इसकी एसिटेटर आर्म है, ये एसिटेटर आर्म इसमें एक प्लैनेट की तरह काम करती है, और ये आपके ये अपने एक्सिस के चारों तरफ तो रोटेट करेगी ही करेगी, साथ में ये पैडल के चारों तरफ भी रोटेट करेगी। गॉट टू द पॉइंट, ये चीज आपको इसकी वर्किंग समझ में आई कि जैसे सपोज ये आपका पैडल है, सपोज मेरे पास यहाँ एक पैडल है और पैडल के साथ ये एक आर्म है, तो ये पैडल आपका अपने अपने एक्सिस पे तो रोटेट कर ही रहा है
और जो ये आर्म है इसकी, ये आर्म अपने एक्सिस पे तो रोटेट करेगी ही और साथ में ये पैडल के चारों तरफ भी रोटेट करेगी। तो हो गया प्लैनेट। प्लैनेट में भी यही होता है कि इसमें वो अपने एक्सिस पे तो रोटेट करते ही हैं प्लैनेट, साथ में सन के चारों तरफ भी घूमते हैं। तो इसीलिए इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमने इसका नाम दिया हुआ है। हमने इनफैक्ट जिन्होंने भी इसको इन्वेंट किया दैट इज अ प्लैनेटरी मिक्सर, जिन्होंने भी इसकी वर्किंग देखी दैट इज अ प्लैनेटरी मिक्सर। अब इसे मिक्स वर्किंग तो आपको समझ में आएगी होगी कि जिस मटेरियल को हमने इसके अंदर डाला, जिस मटेरियल को सेमी सॉलिड इक्विपमेंट सेमी सॉलिड जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, सेमी सॉलिड जो मटेरियल है उनको जब हमने इसके अंदर ऐड किया कंटेनर में, इसके बाद हमने क्या किया पैडल को रोटेट किया। मोटर के थ्रू ऑपरेटेड है इक्विपमेंट जो है आपका इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, कोई हैंड ऑपरेटेड इक्विपमेंट तो होते नहीं है। जहाँ पे इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जो ये काम होते हैं, तो वहाँ जो पैडल रोटेट करेगा साथ में जो ये एजिटेटर में एजिटेटर है या जो इसकी आपकी साइड रोटेटिंग आर्म भी बोलते हैं इसको, साइड पर है और इसकी आर्म है, ठीक है, साइड रोटेटिंग आर्म है ये आपकी अपने एक्सिस पे और पैडल के चारों तरफ रोटेट करेगी और हमारा जो सेमी सॉलिड मटेरियल है उसको प्रॉपर मिक्स करेगी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द नीडिंग एंड द शियरिंग एक्शन। नीड भी हो रहा है जैसे आटा गूंदना और शियर फोर्स भी हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सेमी सॉलिड मिक्सिंग में हमारा मटेरियल जो है मिक्स तो होगा ही, साथ में उसके पार्टिकल्स का साइज रिडक्शन भी होगा। इट विल प्रोड्यूस द मिक्सिंग एज वेल एज द स्मूथनेस इन द प्रोडक्ट। तो ये इसके अंदर एक मेन पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें पार्टिकल्स के अंदर पार्टिकल्स का साइज रिड्यूस होने की वजह से जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के अंदर हम इसमें स्मूथनेस भी आएगी। तो कभी आप देखो क्रीम को, पेस्ट को या ऑइंटमेंट को टच करके देखो फिंगर्स में, तो आप देखो उसमें कभी भी पार्टिकल्स की जो ग्रिटीनेस है वो फील नहीं होती, आपको महसूस नहीं होता कि इसमें जो पार्टिकल्स हमने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑब्वियसली डिफरेंट जब चार इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे तो उनके पार्टिकल साइज भी डिफरेंट होंगे, तो हमें नहीं पता लगता कि उसमें पार्टिकल्स अलग से हमें कोई महसूस होते हैं। अगर होते हैं तो वो इसका एक नेगेटिव पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये है इसकी वर्किंग दैट बेस्ड ऑन द नीडिंग एंड द शियरिंग एक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ द पैडल मिक्सर। लेकिन जो इस पैडल मिक्सर के अंदर जो एक मेनली है कि आप देखिए जो पैडल है और जो रोटेटिंग आर्म है इनके डायमीटर बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। पैडल का डायमीटर कंपैरेटिवली जो हमारा कंटेनर है मोर देन उससे हाफ है, जबकि रोटेटिंग आर्म है रोटेटिंग आर्म का जो डायमीटर है बहुत कम है एज कंपेयर टू द पैडल। एक चीज और कि इस ऑपरेशन के लिए दौरान या इस इक्विपमेंट को यूज करते टाइम हमें इस ऑपरेशन को रोक के बीच बीच में हमें विद द हेल्प ऑफ द ब्लेड और विद द हेल्प ऑफ द स्क्रैपर वी हैव टू स्क्रैप द मटेरियल विच विल स्टिक ऑन द साइड ऑफ द वॉल्स। क्योंकि जैसे देखो रोटेट करेगा, रोटेट करने की वजह से क्या होगा कि जो आपका मटेरियल है ये मटेरियल डाला मिक्स होने के बाद ये होगा कि कुछ मटेरियल आपका ये साइड वॉल्स के साथ भी चिपकेगा, यहाँ भी रह जाएगा, ठीक है, कुछ मटेरियल जो है आपका इसके साथ भी चिपक जाएगा, कुछ मटेरियल जो आपका इसके साथ भी चिपक जाएगा। तो ये जो मटेरियल है आपका टाइम टू टाइम विद द हेल्प ऑफ द स्क्रेपर वी हैव टू स्क्रेप इट सो दैट वी कैन गेट द प्रॉपर मिक्सिंग। सो दिस इज अ टाइप ऑफ द प्लैनेटरी मिक्सर विच बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ नीडिंग एंड शेयरिंग एक्शन consist of the one pedal and one agitator, diameter of the pedal it is the more than half of the container, whereas the diameter of the agitator or the side rotating arm is the very less as compared to the pedal. The pedal will rotate only on its own axis, whereas the agitator or the side rotating arm it will rotate around the pedal as well as it will also rotate on its own axis. It will rotate in the planetary motion. That's why it is its name is given as the planetary mixer. But in during the operation we have to stop the operation to scrape the material which with the help of the scraper which will stick towards the wall of the container as well as towards the पैडल एज वेल एज टू दी रोटेटिंग आर्म। तो ये जो मेनली है दैट इज कॉल्ड एज द प्लैनेटरी मिक्सर विच इज यूज्ड फॉर द सेमी सॉलिड टाइप ऑफ द मिक्सिंग।
Now we will go to the next type of the apparatus, that is called as the ट्रिपल रोलर मिल और द जिसको हम सेमी सॉलिड मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं. पॉइंट्स की ट्रिपल रोलर मिल में भी वही रहेंगे कि कंसिस्टेंसी या हाई विस्कोसिटी होने मटेरियल की वजह से हम ट्रिपल रोलर मिल को यूज करते हैं. इसके अंदर भी क्या होगा, साइज क्रश भी होगा और स्मूथनेस भी होगी एज वेल एज मिक्सिंग भी होगी. ट्रिपल रोलर मिल का जब मैं डायग्राम बनाऊंगी तो अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे स्पेशली साइज रिडक्शन के, तो उसमें आपको जरूर ध्यान में आएगा कि उस मिल को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो ये है हमारी ट्रिपल रोलर मिल. ट्रिपल रोलर नाम से देखो क्लियर है कि तीन इसके अंदर रोल्स होंगे. दिस वन इज द रोलर वन, दिस वन इज द रोलर टू, दिस वन इज द रोलर टू एंड दिस वन इज द रोलर थ्री. This one is the roller 3. This is the roller 1, roller 2, roller 3. एक चीज का ये ध्यान में रखना कि जो ये हमेशा है ये rotate, they will rotate in the different direction. अगर ये इस direction में rotate करेगा, तो ये इस direction में rotate करेगा और ये इस direction में rotate करेगा. ठीक है? This is the triple roller mill. तीन roll है, triple roller है. यहाँ आपके पास क्या होगा, होपर होगा, जहां से आपके पास ये जो मटेरियल है होपर के थ्रू आपके पास ये मटेरियल यहाँ एंटर करेंगे जिसको हमने मिक्स करना होगा. ठीक है, देयर इज अ स्क्रेपर, यहाँ एक स्क्रेपर जिसको आप ब्लेड की तरह होगा और यहाँ आपका स्क्रेपर है और यहाँ आपका जो है इसके साथ ही आपका कंटेनर अटैच होगा. यहाँ आपका कंटेनर अटैच होगा जिसके अंदर आपका मटेरियल जो है फोल्ड होगा. अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं ट्रिपल रोलर मिल के अंदर. सबसे पहले तो जो इसके अंदर मटेरियल यूज होता है या रोलर होते हैं वो रोलर सारे सेम साइज के होंगे. ऑल द रोलर्स, यहाँ हो सकता है कि डायग्राम बनाने में रोलर छोटे बड़े बन गए हो, लेकिन ऑल द रोलर्स विल बी ऑफ द सेम साइज. दे आर मेड अप ऑफ द हार्ड एब्रेसिव रेजिस्टेंट मटेरियल. They are made up of the hard abrasion resistant, hard abrasion resistant material. Hard abrasion resistant. Material abrasion resistant का मतलब कि जिसमें जंग ना लगे. सेकेंड वन, दे ऑल द रोलर्स विल बी ऑफ द सेम साइज बट दे विल रोटेट एट द डिफरेंट स्पीड. रोटेट एट डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट स्पीड पे वो रोटेट करेंगे. सबसे जो रोलर वन है, रोलर वन की स्पीड जो है कम होगी कंपैरेटिवली, रोलर टू की स्पीड थोड़ी उससे ज्यादा होगी और रोलर थ्री की स्पीड जो है सबसे ज्यादा होगी. तो इनकी जो रोटेशन की स्पीड है वो डिफरेंट होगी. ठीक है, थर्ड पॉइंट है दे ऑल द रोलर्स दे विल रोटेट इन द डिफरेंट, रोटेट इन अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर. ऑब्वियसली बात है अगर दोनों रोलर सेम ही डायरेक्शन में रोटेट होंगे तो ना तो मिक्सिंग होगी ना ही क्रशिंग होगी. क्योंकि अगर आपका मटेरियल है, मटेरियल आपका यहाँ आया, ये रोलर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये आपका मटेरियल है. इसमें अलग से दूसरा कलर पेन यूज करती हूँ. यहाँ से ये आपका मटेरियल है, ये ग्लास हॉपर में हॉपर के अंदर हमने जो डाला. ठीक है, ये आपका मटेरियल इस डायरेक्शन में इसके साथ रोटेट हुआ, ये मटेरियल आपका इस डायरेक्शन में इसके साथ रोटेट हुआ और ये मटेरियल आपका इस डायरेक्शन में इसके साथ रोटेट हुआ और स्क्रैपर से ये स्क्रैप होके ये आपका डायरेक्ट इसके अंदर कंटेनर के अंदर चला जाएगा. अब आप खुद सोचो कि अगर रोलर सेम डायरेक्शन में रोटेट होंगे, एक रोलर इस तरह से दूसरा रोलर इस तरह से, तो ना ही उनके बीच में क्रशिंग होगी ना ही उनके बीच में प्रॉपर मिक्सिंग होगी. तो ये तो एक ऑब्वियस सी कंडीशन है कि रोलर दे शुड बी रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन. तीसरी चीज, इनके बीच में जो गैप है
दिस गैप कैन बी एडजस्टेड, गैप कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू नीड, हमारी नीड के अकॉर्डिंग जो इनके बीच में गैप है वो मिलीमीटर्स में होता है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं कि हमने कितना फाइन या कितनी हमने स्मूथनेस लेके आनी है, उसके अकॉर्डिंग से हम इसका गैप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो मेनली, और इसका जो प्रिंसिपल है इट ऑल्सो बेस्ड ऑन द शियरिंग एक्शन, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द शियरिंग एक्शन, शियरिंग एक्शन, और दिस इज कॉल्ड एज द ट्रिपल रोलर मिल, ट्रिपल रोलर मिल। ठीक है, वर्किंग तो काफी कुछ समझ में आई गई होगी। पहले हम इसको सिर्फ साइज रिडक्शन के चैप्टर में भी इसको पढ़ चुके हैं कि कैसे हम साइज को रिड्यूस करने के लिए ट्रिपल रोलर मिल का यूज करते हैं। तो यहाँ एक बार दोबारा से इसका फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं कि हाउ द ट्रिपल रोलर मिल इज यूज्ड फॉर द सेमी सॉलिड मिक्सिंग, क्योंकि यहाँ हमारा पर्पस डिफरेंट है। वी आर यूजिंग द ट्रिपल रोलर मिल हेयर फॉर द सेमी सॉलिड मिक्सिंग। तो देर आर द मेनली थ्री रोलर्स, ट्रिपल रोलर है तो देर विल बी द थ्री रोलर्स विच आर मेड अप ऑफ द हार्ड एब्रेजन रेजिस्टेंट मटेरियल, द ऑल द रोलर्स विल बी ऑफ द सेम साइज बट दे विल रोटेट इन द डिफरेंट डायरेक्शन, द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ ऑल द रोलर्स विल बी डिफरेंट, द स्पीड ऑफ द फर्स्ट रोलर दैट इज नियर टू द होपर विल बी स्लो एंड देन the speed of the second roller will be greater than the first and third roller will have the maximum speed as compared to the first two rollers. These rollers they will rotate in the opposite direction and they works on the basis of the shearing action. The gap between these rollers can be adjusted and it is generally in the millimeters as the material whose mixing has to be done will enter through this hopper and will rotate rotate along the roller 1 and pass to the roller 2 and then roller 3. This is the scraper. The scraper which will scrape the material, the scraper which will scrape the material when its size will be the reduced as well as there will be the proper mixing. Ab is case mein dekho दोनों फंक्शन हो रहे हैं, इस केस में पार्टिकल्स का साइज भी रिड्यूस हो रहा है और इस केस में प्रॉपर मिक्सिंग भी हो रही है। सो द एपरेटस व्हिच आर यूज्ड फॉर द सेमी सॉलिड मिक्सिंग दैट इज द प्लेनेटरी मिक्सर एज वेल एज द ट्रिपल रोलर मिल, दे हेल्प टू मेक द प्रोडक्ट स्मूथ एज वेल एज दे हेल्प टू डू द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द सेमी सॉलिड मटेरियल। एक चीज ध्यान में रखना कि जो सेमी सॉलिड मिक्सिंग होती है वो हमेशा न्यूट्रल और इरिवर्सिबल मिक्सिंग है, बट इट इज कंपैरेटिवली टफ एज कंपेयर टू द लिक्विड मिक्सिंग एंड कैन नॉट बी डन विद द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजिंग और कन्वेक्टिंग मेथड, इट इज मेनली डन विद द हेल्प ऑफ द शियरिंग एक्शन और विद द हेल्प ऑफ द नीडिंग और शियरिंग एक्शन इन केस ऑफ द प्लेनेटरी मिक्सर। तो मेरे ख्याल से लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि सेमी सॉलिड मिक्सिंग क्या है, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, किस टाइप की मिक्सिंग है, कौन से इसके अंदर हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे पाउडर मिक्सिंग, पाउडर मिक्सिंग में कौन कौन से फैक्टर्स है कि क्या कौन कौन से फैक्टर्स पाउडर मिक्सिंग में इफेक्ट करते हैं पाउडर मिक्सिंग को और कौन कौन से अपरेटस उसके अंदर यूज करते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।